the biggest mantra I can give you is this, that even if you can take out 10 minutes or 15 minutes a day, हेलो टू ऑल, स्वागत है आपको गुरु सिंह फिटनेस के अंदर। आज हम बात करेंगे क्या एक एक्टर बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। इस सीरीज के अंदर आज हम लेने वाले हैं ऋतिक रोशन के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में, क्या ऋतिक रोशन एक बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। ऋतिक रोशन एक बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप किस एक्टर के बारे में अगला वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपने कहा ऋतिक रोशन। सो मैं हाजिर हूं उनके बारे में बताने के लिए कि किस तरीके से ऋतिक रोशन अगर बॉडी बिल्डिंग स्टेज के अंदर आते हैं या बॉडी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं तो वो बॉडी बिल्डर बन सकते हैं या नहीं। सो आज हम ऋतिक रोशन के बारे में ही बात करेंगे। अगर बात करें इस एक्टर की तो ये जाने जाते हैं अपने सुपर्ब एक्टिंग और ऑसम डांस स्टाइल के लिए। बॉलीवुड में इनसे अच्छा कोई और डांस नहीं कर सकता। अपने डांस की वजह से हमेशा से लीन एंड फिट रहे, बट 2012 में बैक इंजरी की वजह से, रेगुलर स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा जंक फूड के कंजप्शन के वजह से आउट ऑफ शेप हो गए थे। बट उसके बाद से इन्होंने कम बैक करना स्टार्ट करा। क्रिस गेती ने, एक ऐसे फिटनेस ट्रेनर हैं, उनको हायर करा और अपने आप को वापस उसी शेप में लेके आए जिस शेप में लोग इनको देखना पसंद करते हैं। कुछ ही मंथ के अंदर इन्होंने अपने आप को कम बैक करा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे इन्होंने विद अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपने आप को कमबैक करा। अगर बात करें उनके फिजिक की, बहुत ही इजीली मैन फिजिक के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बेस्ट कैटेगरी रहेगी। ऋतिक रोशन का बॉडी वेट 80 kg है, जिसमें उनकी जो हाइट है वो 6 feet है, 30 inch का नैरो वेस्ट है उनका, उनकी कमर है, और अगर बात करें 30 साइज जो वेस्ट होती है बहुत ही स्मॉल होती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी जो एब्स होती है और वी कटिंग शेप होती है पूरी निखर के आती है। इनके साथ ही साथ इनका जो एब्डोमिनल पार्ट है, सिक्स पैक्स एब है, एंड जो साइड हैंडल है वो बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही क्लियरली शो होता है। मैन फिजिक में प्रो बॉडी बिल्डिंग या क्लासिक फिजिक की तरह ज़्यादा मसल मास की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। सिर्फ आपका अगर डिसेंट बॉडी मास भी है और 8-10% बॉडी मास या बॉडी फैट है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। जैसा फिजिक ऋतिक रोशन का है उससे तो वो ज़रूर ही इस डिविजन के अंदर, मैन फ्यूजिंग के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मैक्सिमम बॉडी बिल्डर को डोमिनेट कर सकते हैं और उनको एक करी टक्कर दे सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स अगर अरेंज करने हैं या बटोरने हैं तो बटोरने के लिए आपको अपने बैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होता है। वही ऋतिक रोशन के बैक में आपको प्रॉपर विथ, मस्कुलैरिटी एंड थिकनेस मिलेगी, जो एक प्रॉपर वी कट देती है बैक को। इन सब चीज़ों की वजह से वो किसी भी एथलीट को बैक गेम में ईजिली तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। ये सब यही दिखाता है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड के एज में, और चाइल्डहुड एज से वो बैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते आ रहे हैं, चिनअप करते आ रहे हैं, बैक की एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर बैक कटिंग या प्रॉपर शेप उनको दिखाई दे रही है। बॉडी बिल्डिंग में वेस्ट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और होती भी है, क्योंकि उसी से मैक्सिमम लोग अपने बहुत ही ज़्यादा जो अपने पॉइंट्स होते हैं स्टेज के ऊपर वो अरेंज कर पाते हैं। और पूरे फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट एंड प्रॉपर एब्स अगर किसी के हैं तो वो हैं ऋतिक रोशन के। उनके 17 इंच के आर्म्स एक उनके पूरी बॉडी के अंदर प्लस पॉइंट ऐड करते हैं। इनका बाइसेप एंड ट्राइसेप्स पोर्शन दोनों में ही अच्छा खासा मसल मास आपको दिखेगा। ध्यान से देखने पर आपको दिखेगा कि उनके ट्रैप्स ज़्यादा ह्यूज नहीं है, बट ओवरऑल उनके पूरी बॉडी के लिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक अच्छा साइन या अच्छा इंप्रेशन शो करता है। ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऋतिक रोशन की बॉडी के अंदर कुछ कमी है, जिसकी वजह से अगर वो स्टेज के ऊपर आते हैं तो बहुत सारे पॉइंट लूज कर देंगे। ऋतिक रोशन की चेस्ट इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है बाकी बॉडी पार्ट्स की कंपैरिजन में। मिडल डेल्ट भी इतना डेवलप्ड नहीं है उनका। ट्राइसेप्स में अगर बात करें तो मिडल हेड बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग हेड उनका बैक साइड से दिखने पर इतना इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव नहीं लगता है, बट यही उनका वीक पॉइंट भी है। और अदरवाइज अगर इसको कहें तो ये स्ट्रांग बना सकते हैं एंड पॉपुलर एथलीट बन सकते हैं। इन चीज़ों को छोड़कर वो एक अच्छे एथलीट एंड बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। अब बात करते हैं जो ऋतिक रोशन है, जब भी वो मॉर्निंग में उठते हैं सबसे पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए वार्म वाटर को कंज्यूम करते हैं। वार्म वाटर को कंज्यूम करने से उनकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और उनके पोर्स सभी ओपन होते हैं। उसके बाद अगर वो अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें 4 white egg को कंज्यूम करते हैं, 2 brown bread लेते हैं, उसके साथ प्रोटीन शेक को मिल्क के साथ विथ लॉट ऑफ कॉर्नफ्लेक्स एंड उसके अंदर फ्रूट्स को ऐड करते हैं, ताकि एक हेल्थी और हैवी ब्रेकफास्ट वो अपना कर सकें।
मोस्टली जो उनको पसंद है वो है स्पैनिश ऑमलेट और बॉयल्ड एग ही कंज्यूम करना पसंद करते हैं, जिसे हम कहते हैं वाइट एग। वाइट एग को कंज्यूम करते हैं और जो वाइट पोर्शन होता है उसको कंज्यूम करने के बाद जो अंदर का योक होता है उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फैट कंज्यूम होता है और ये फैट बिल्कुल भी अपनी बॉडी पे अंदर इनटेक नहीं करना चाहते। नाउ जब बात आती है लंच की, तो लंच में नॉर्मली जो हम हर कोई पर्सन इंसान अपने घर में यूज़ करता है डेली, जो आपकी थाली होती है इसमें आपकी सब्जियां होती है, दाल होती है, रोटी होती है, उसके बाद चिकन होता है, सैलेड होता है, वो सब आप कंज्यूम करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, उन सब चीज़ों को ये भी कंज्यूम करते हैं, वो आप भी कंज्यूम करते हैं, वो सेम है। क्योंकि जो लंच होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होना चाहिए, उसके अंदर अलग अलग तरह की वैराइटीज़ सेंटेस होनी चाहिए, आपके दालें होनी चाहिए, उसमें सब्जियाँ होनी चाहिए, उसमें सलाद होना चाहिए, जिससे कंप्लीट मील आपका बन सके, एक इंडियन थाली बन सके। और इंडियन थाली को आप करनी चाहिए, जिससे आपकी पूरी बॉडी हमेशा फिट रहती है और आपकी बॉडी के अंदर जिन चीज़ों की भी कमी होती है, मिनरल्स की, आयरन की, कैल्शियम की, वो सब पूरी हो जाती है। 1 से 2 घंटे के बाद, यानी कि ऑन एवरेज 4 से 5 के करीब ये अपना स्नैक्स कंज्यूम करते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ फ्रूट्स को ले लेना कसम कंज्यूम करते हैं, या नट्स या प्रोटीन शेक लेते हैं, और स्पेशली इनको चॉकलेट प्रोटीन शेक पसंद है। तो अगर आप इनको कोई वे प्रोटीन भी देंगे तो वो कहीं ना कहीं इसका फ्लेवर जो रहेगा वो चॉकलेट फ्लेवर ही रहेगा। और कई बार ये भी देखा गया है, जब भी अपने सेट्स पे होते हैं तो अपने साथ एनर्जी बार या प्रोटीन बार को ज़रूर अपने साथ कैरी करके लेते हैं, ताकि अपनी एनर्जी को रिफिल कर सके, क्योंकि शूटिंग काफ़ी लंबी होती है और उस लंबी शूटिंग के लिए कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए होती है। बात करें डिनर की, तो डिनर में ये ब्राउन ब्रेड को कंज्यूम करते हैं विथ एग्स, जो कि आपका अगेन वाइट एग रहेगा, बॉयल्ड एग कंज्यूम करेंगे, या स्टिर फिश होगी जो कि हल्की सी फ्राइड फिश होगी उसको कंज्यूम करते हैं। और इसके साथ साथ अपने पूरे डे के अंदर ये अगर कंज्यूम करते हैं तो 80% डाइट ही कंज्यूम करते हैं एंड 20% अपने वर्कआउट के लिए रखते हैं, जिससे इनका स्टमक फुल रहता है। और 5 डेज वर्कआउट करने के साथ साथ ये 2 डेज रेस्ट करते हैं, जिसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम ये वर्कआउट करते हैं, कार्डियो प्लस नॉर्मल बॉडी पार्ट जो हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं वही ये करते हैं। 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली कंज्यूम करते हैं, जिससे एक अच्छी नींद भी आती है, बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होती है और जितने भी बॉडी के पोर्स होते हैं सब ओपन होते हैं। सो ये था बेसिकली इनके पूरे डे का एंटायर मील प्लान, मील डाइट प्लान, कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करके अपनी डाइट को उस लेवल तक लेके जाते हैं और अपनी फिजिक को उस लेवल तक मेंटेन करके रख पा रहे हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपने ये जाना कि किस तरीके से ऋतिक रोशन अगर बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे आते हैं तो किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और किन किन जगह पे अपने पॉइंट को लूज कर सकते हैं। सो आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करें, जरूर बताएं कि आपका फीडबैक क्या है, किस तरीके से आप इस वीडियो को देखते हैं और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं क्या आप उसे सेटिस्फाई करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उसका रीज़न बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो सके, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। आप चाहें तो अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने भी लोगों को नहीं पता है कि किन चीज़ों के ऊपर अभी बातचीत चल रही है, या जिन्होंने अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखा है, उनको कमेंट के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इस पूरे वीडियो के अंदर क्या बताया गया है, जिससे हर एक इंसान बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा और इस वीडियो के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी होगी जो कि आपको अभी तक नहीं पता थी। इसी तरह से इस चैनल को बढ़ाते रहें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि हर एक इंसान इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सके और जो इस वीडियो के अंदर बताया गया है उसको अच्छे तरीके से अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सके, ताकि वो अगर बॉडी बिल्डिंग स्टेज के अंदर आता है तो इन पॉइंट्स को लूज बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप कुछ भूल रहे हो, ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।